हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल विजन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बेसिक्स फिजिक्स, जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बेसिक फिजिक्स के बारे में बताएंगे कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं उसके नेचर एंड नेचुरल फिजिकल फेनोमेनन के बारे में, कि विज्ञान में जो भी घटित हो रहा है दैनिक जीवन में उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिक्स बोलेंगे। तो देखिए सबसे पहले फिजिक्स का डिफिनेशन हम बताते हैं। टॉपिक का नाम है बेसिक फिजिक्स। बेसिक फिजिक्स यूनिट नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में बताते हैं। कि फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिजिकल फेनोमेना। सबसे पहले समझिए फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स हम क्या बताएं, साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं यानी अध्ययन करते हैं नेचर एंड नेचुरल फिजिकल फेनोमेना के बारे में, यानी प्रकृति में जो भी घटना घटित हो रही है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसमें दो क्वांटिटी पढ़ना है, एक है फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी। तब फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, जिसको हिंदी में बोला जाता है भौतिक राशियां, और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी जिसको हिंदी में बोला जाता है व्युत्पन्न राशि। तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे। फिजिकल क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी वी राशियां हैं जो दूसरे पे क्या है, डिपेंड नहीं होता, जिसको हम डायरेक्ट क्या है मेजर कर सकते हैं, और उसका क्या है, जिसे फिजिकल क्वांटिटी में जो हम बोले कहता है दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहता है दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां कहता है वे सारी क्वांटिटी जिसको हम क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है वस्तु है, उसका हमको मास फाइंड करना है। तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि 1 kg है, 2 kg है, या इनडायरेक्टली भी बता सकते हैं अनुमान लगा करके, लगभग ये 4 kg का है, 2 kg का है, etc. नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, स्पीड ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट एग्जांपल है स्पीड ऑफ अ बॉडी, कोई बॉडी है उसके क्या स्पीड है, etc.
यानी क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी की ये सारा मेरा एग्जाम्पल हो गया, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, स्पीड ऑफ एन बॉडी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं और नेक्स्ट। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड है डिराइव्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। सबसे पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, यानी वे सारे क्वांटिटी, वे सारी राशियां जो दूसरे क्वांटिटी पर क्या हो, डिपेंड नहीं हो, दूसरे पे आश्रित नहीं हो, यानी वे क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। यानी दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अपॉन द अनदर क्वांटिटी, अनदर क्वांटिटी इज नॉन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बताएं इसमें, यानी वैसा क्वांटिटी, वैसी राशि जिस जो दूसरे पे डिपेंड नहीं हो, दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे इसको दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं, द क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। यानी वे सारी क्वांटिटी जो क्या है, अपने आप पे इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे पर क्या है, डिपेंड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। आई होप आप ले चुके होंगे, इसको अब हम इरेज करते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी सात भौतिक राशियां हैं, देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी। फर्स्ट हो गया मेरा मास, सेकेंड हो गया लेंथ, थर्ड हो गया टाइम, फोर्थ हो गया टेम्परेचर, फिफ्थ हो गया इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सेवंथ हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या नंबर ऑफ सब्सटेंस,
नंबर ऑफ सब्सटेंस। देयर आर सेवन फंडामेंटल फिजिक क्वांटिटी, फर्स्ट मास, सेकेंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सेवन्थ हो गया नंबर ऑफ सब्सटेंस। केजी का एसआई यूनिट, मास का एसआई यूनिट केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इसका जो सिंबल है केजी को, मास को जो है एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी तरह लेंथ को एल से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को भी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको डायरेक्ट टी नहीं लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये एक टाइप का हीट होता है। इलेक्ट्रिक करंट को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी से यानी कैंडला, उसी तरह नंबर ऑफ सब्सटेंस मोल। ये मेरा जो है सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, नंबर ऑफ सब्सटेंस। हम फिजिकल जो है दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का सात फंडामेंटल क्वांटिटी है, और उसके बाद हम डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। इसको पहले हम इरेज करते हैं, अब आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, कहता है दोज क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटी आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। इसको पहले आप समझिए, डिराइव्ड क्वांटिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां, वे सारी राशियां जो किस पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी का अनेक सेंस हुआ, जो हम सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी बताएं, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, ये सब पे ये क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड करता है। यानी वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर क्या हो डिपेंड करता हो, यानी आश्रित हो, उसको हम क्या बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी का, स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस मेरा क्या हो गया एक लेंथ है, टाइम मेरा क्या हो गया सेकेंड, यानी कि हम क्या बोलें कि वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो टाइम मेरा क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है, आई स्पीड टाइम पे क्या है डिपेंड कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ मास के बारे में, कि मास क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ मास। मास हम किसको बोलेंगे, तो कहता है मास जिसको हिंदी में बोला जाता है द्रव्यमान, हमारे बॉडी में जितने भी मैटर है कंटेन है, मतलब जितना भी मैटर मेरे में मास है उसको हम क्या बोलेंगे, द होल बॉडी कंटेन ओनली मास, तो उसको हम क्या बोलेंगे कंसेप्ट ऑफ मास बोला जाते हैं, यानी कि द टोटल मैटर कंटेन इन ए बॉडी, हमारे बॉडी में जितने मैटर कंटेन कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे कंसेप्ट ऑफ मास बोला जाता है। इसका डिफिनेशन देख लीजिए, द टोटल मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज नॉन एज मास। अब इसमें एक दो पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट ऑफ मास केजी, दूसरा है सीजीएस यूनिट ऑफ मास, ग्राम।
थर्ड पॉइंट है एफपीएस यूनिट ऑफ मास। पाउंड, 1 pound इज इक्वल टू 0.453 केजी होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर इसको हम इरेज करते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, इसको इरेज करते हैं। मास के बाद आता है लेंथ के बारे में कि लेंथ का क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट ऑफ लेंथ, लेंथ के बारे में समझिए। कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, मान ले एक पॉइंट मेरा ये है, एक पॉइंट ये है, ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे। तानी इसको हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे, इज नोन एज ए लेंथ। अब इसमें एक दो पॉइंट है कि एसआई यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर, एफपीएस यूनिट ऑफ लेंथ जिसको फुट बोला जाता है या कहीं कहीं फीट भी लिखा रहता है। 1 feet इज इक्वल टू 12 inch होता है। उसी तरह से 1 inch इज इक्वल टू 2.54 centimeter होता है। हम क्या बताएं कि लेंथ का क्या कंसेप्ट है। कोई भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट मेरा ये है, एक पॉइंट ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे। तो ही लिखे हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज ए लेंथ, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर, एफपीएस यूनिट ऑफ लेंथ फुट, कहीं कहीं फीट भी लिखा रहता है। 1 feet या 1 foot इक्वल टू 12 inch, 1 inch इक्वल टू 2.54 centimeter। इसको फिर हम इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उसके बाद हम बताते हैं टाइम के बारे में कि टाइम का क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले समझिए टाइम के बारे में, कंसेप्ट ऑफ टाइम। कहता है टाइम को जो मेजर किया जाता है टाइम, तो सबसे पहले हम टाइम बताते हैं कि टाइम इज अ मेजर ऑफ द ड्यूरेशन बिटवीन द अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स। कहता है टाइम क्या है, कोई भी दो इवेंट घटना घट रहा उसको घटने में कितना टाइम लगा, उस दौरान कोई भी घटना घटा उस दौरान हमको जो टाइम लगता है उसको मेजर करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, कंसेप्ट ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसेप्ट ऑफ टाइम बोला जाता है। ये तो सिंपल है कि एसआई यूनिट ऑफ टाइम सभी जानते होंगे कि एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू होता है सेकेंड। उसके बाद फर्स्ट में ही हम बताए थे कि बेसिक फिजिक्स में हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में आज पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अब आता है टॉपिक पर कि यूनिट क्या होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है इकाई, कि यूनिट किसको बोलेंगे। तो यूनिट है क्या,
कोई भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कंपैरिजन करने के लिए, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको कंपैरिजन करना है, तो किसके साथ कंपैरिजन करना है? कंपैरिजन करने के लिए हमको कुछ स्टैंडर्ड मानक की जरूरत पड़ती है, यानी जिस स्टैंडर्ड का हम यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। यानी कह सकते हैं कि द स्टैंडर्ड विच इज यूज टू कंपेरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, इज नोन एज यूनिट। यानी डायरेक्ट समझिए कि फिजिकल क्वांटिटी को कंपैरिजन करने के लिए, यानी फिजिकल क्वांटिटी से हमको तुलना करना है, तो तुलना करना है तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड मानक की हमको जरूरत पड़ेगा, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कहता है कि द स्टैंडर्ड विच इज यूज टू कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज ए यूनिट। यानी कि भौतिक राशि को कंपैरिजन करने के लिए जिस स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है, जिस मानक का यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। जैसे देखिए, या इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अ यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस कनेक्शन हो गया, व्यक्त कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी। यानी यूनिट को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 10 kg। तो यहाँ जो ये मेरा एक केजी है, क्या है? एक यूनिट है। कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट कंपैरिजन किए कि ये मेरा 10 kg है, तो केजी एक टाइप का क्या हो गया? मेरा यूनिट हो गया। 10 kg मेरा क्या हो गया? यूनिट हो गया, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये जो 10 kg है, केजी मेरा यूनिट हो गया, जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? मास को कर रहा है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम बताते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में थोड़ा बताते हैं। अब उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट जो है 4 टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। नंबर 1 FPS यूनिट। सेकेंड हो गया मेरा CGS यूनिट। थर्ड हो गया मेरा MKS यूनिट। फोर्थ हो गया SI यूनिट। FPS का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड। CGS का होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। MKS का हो गया, एक SI हो गया। SI को तो लिखते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद आगे हम बताते हैं। उसके बाद फिर हम वन बाय वन इसको डील करते हैं।
अब सबसे पहले हम FPS बताए थे, FPS यूनिट। अब इसको डायरेक्ट लिखते हैं फुट पाउंड सेकेंड, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसके बारे में हम बताते हैं कि इन दिस यूनिट लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन फुट, यानी लेंथ को जो यूनिट देंगे FPS सिस्टम में फुट, उसी तरह से मास को, मास इज एक्सप्रेस्ड एज पाउंड एंड टाइम इज एक्सप्रेस्ड एज सेकेंड। सेकेंड इसमें एक दो पॉइंट पीछे भी हम बता चुके हैं कि 1 foot इज इक्वल टू 12 inch या 30.4 centimeter। उसी तरह से 1 inch इज इक्वल टू 2.54 centimeter। उसके बाद हम बताते हैं CGS यूनिट के बारे में, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम CGS यूनिट के बारे में बताते हैं। सेकेंड पॉइंट हो गया मेरा CGS यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो बस वही बात है, इन दिस यूनिट लेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज सेंटीमीटर। उसी तरह से मास इन ग्राम एंड टाइम इन सेकेंड। उसके बाद आता है कि 100 cm इक्वल टू 1 meter। उसी तरह से 1000 gram इक्वल टू 1 kg। अब नेक्स्ट पॉइंट है MKS यूनिट, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको इरेज करते हैं। आई होप आप ले चुके होंगे। थर्ड पॉइंट है MKS यूनिट, जिसको मीटर किलोग्राम सेकेंड तो सब जानता है। कहता है इन दिस यूनिट लेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज मीटर, उसी तरह से मास इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकेंड। उसके बाद लास्ट पॉइंट है SI यूनिट, जिसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये क्या है? यह मॉडिफाइड फॉर्म है, इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS यूनिट, MKS सिस्टम यूनिट। यानी जो हम MKS यूनिट के बारे में पढ़े हैं कि लेंथ को एक्सप्रेस करते हैं मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, तो उसी तरह SI यूनिट जो होता है मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? MKS यूनिट का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। जैसे मान लेते हैं कि फोर्स इसका एग्जांपल ले रहे हैं, उसी तरह से वर्क, एनर्जी, ये सारा किसका एग्जांपल है? SI यूनिट का एग्जांपल है। जैसे फोर्स का SI यूनिट जो होता है न्यूटन, एनर्जी वर्ग वाट, एनर्जी जूल, ये सब किसका फॉर्म हो गया? MKS यूनिट का ही मॉडिफाइड फॉर्म है SI यूनिट। टॉपिक 1 में इतना ही पढ़ना था जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंतर्गत आता। उसके बाद जो है VVI टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल।